वित्त मंत्रालय के अनुसार खाने के तेल की कीमतों के ऊंचे स्तर को कम करने के लिए सरकार ने पाम तेल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल पर बेस कस्टम ड्यूटी घटा दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि कच्चे पाम तेल पर बेस कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर 2.5% कर दी गई है, जबकि कच्चे सोया तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर टैक्स को 7.5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। नोटिफिकेशन शनिवार से लागू हो गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीवी मेहता के अनुसार इस कमी के साथ कच्चे पाम तेल, कच्चे सोया तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल की कीमतों में 24.75% तक गिरावट आ सकती है, जबकि रिफाइंड पाम तेल, सोया तेल और सनफ्लावर तेल की कीमतों पर 35.75% तक का असर होगा। उन्होंने कहा कि ताज़ा कटौती से रिटेल कीमतों में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर की कमी आ सकती है। इसके अलावा ये भी आम तौर पर देखा जाता है कि भारत के इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें सख्त हो जाती हैं, इसलिए वास्तविक असर केवल 2 से 3 रुपये प्रति लीटर ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को कीमतों को कम करने के लिए सरसों के तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए थी। पिछले कुछ महीनों में केंद्र ने अलग अलग खाद्य तेलों पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की है और राज्यों से थोक विक्रेताओं, मिलरों, रिफाइनरों और स्टॉकिस्टों से खाद्य तेलों और तिलहन के स्टॉक की डिटेल लेने को कहा है। इसने 11,040 करोड़ रुपए के पाम ऑयल कमीशन की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।